स्वागत है एक बार फिर से। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के 2-2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है व्याख्या कीजिए, बायो फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। तो जैव प्रबलीकरण किसे कहते हैं, पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। जैव प्रबलीकरण द्वारा प्राप्त उच्च विटामिन खनिज प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम होती हैं। उन्नत पोषक गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। नंबर 1 प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता, नंबर 2 तेल की मात्रा तथा गुणवत्ता, नंबर 3 विटामिन की मात्रा, नंबर 4 सूक्ष्म पोषक तथा खनिज की मात्रा। यानी जैव प्रबलीकरण के द्वारा ही मक्का गेहूं तथा धान की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में विकसित की गई हैं। फ्रेंड ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, अगर ये 2 नंबर पूछा है तो इतना ही लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। यानी पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। चलिए फ्रेंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बाहित मल से आप क्या समझते हो, बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो देखिए नगरों में अपशिष्ट जिसमें मानव मलमूत्र प्रमुख अपशिष्ट होते हैं, नगरों का मतलब है सिटी शहरों में, बाहित मल कहलाता है। यानी अपशिष्ट का मतलब है जो कूड़ा कचड़ा सब गंदे पदार्थ होते हैं, यानी नगरों में अपशिष्ट जिसमें मानव मलमूत्र प्रमुख अपशिष्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाहित मल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको बाहित मल क्या होता है, यानी नगरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है वो मानव का मलमूत्र होता है, जिसको हम बाहित मल कहते हैं। यानी बाहित मल में कार्बनिक पदार्थ, जैव प्रदूषक तथा सूक्ष्म जीव अधिक संख्या में होते हैं। क्या होते हैं, जैव प्रदूषक होते हैं और सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। कैसे होते हैं, रोगजनक यानी रोगों को फैलाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता, इसके फलस्वरूप बाहित मल पर्यावरण यानी जलीय स्रोतों को भी प्रदूषित करते रहते हैं। टाइफाइड, हैजा, पैचिस, पोलियो जैसे जल जनित रोगों बाहित मल प्रदूषण से फैलते हैं। बाहित मल के जलाशयों नदियों में छोड़े जाने से उनका सुपोषण होता है, इसमें BOD बढ़ती है तथा घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता चला होगा बाहित मल होता है वो कितना हानिकारक होता है हमारे लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोनिक संवाहक पर टिप्पणी लिखिए, क्लोनिक वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है फ्रेंड। ये प्लाज्मिड जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में गुणसूत्री DNA के नियंत्रित रूप से प्राकृत बनाने की क्षमता वाली जीनोम पाई जाती है, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। कुछ प्लाज्मिड की प्रत्येक कोशिकाओं में एक या अधिक प्रतिकृति पाई जाती है। यदि हम विजातीय DNA खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं तो इन्हें क्लोनिक संवाहक कहते हैं। इनका उपयोग DNA पुनर्योगज में किया जाता है, किसमें किया जाता है, DNA पुनर्योगज में किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किन्हीं 2 एंजाइमों के आपको नाम लिखने हैं। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी कौन से एंजाइम प्रयुक्त किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एम्सोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लिएज, यानी DNA लाइगेज DNA के सिरे पर न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करते हैं। तो ये है 2 एंजाइम्स फ्रेंड, इसकी PDF फाइल है ये, मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना।
तो ये क्वेश्चंस को रिवीजन करके जरूर जाना, बोर्ड परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हो बायोलॉजी के पेपर में। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।